नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है यह भी कट जाएगा। जिंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का दबाव है, खुशी है, डर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सभी स्थायी नहीं है। समय रूपी नदी के प्रवाह में से सब प्रवाहमान है। कोई भी परिस्थिति चाहे खुशी हो या गम ही की, कभी स्थायी नहीं होती, समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मंडर जाल में फंसा हुआ पाते। हम तत्कालिक परिस्थितियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारी नजदीक आते आते हाथी के जैसा रूप धारण कर लेती है और हम उसकी विशालता और भयावहता के आगे समर्पण कर परिस्थिति को अपने ऊपर हावी हो जाते देते हैं। वो परिस्थितियों हमारे पूरे वजूद को हिला डालती है। हमें हताशा, निराशा के भंवर में उलझना जाती है। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हम में से ज्यादातर लोग आशा की कोई किरण ना देखे पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रोगी स्थान में फंस जाए तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहे। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि जब आप कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहे, क्योंकि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु उसे एक तावीज दिया और कहा कि राजन, इस अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशान की भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस तावीज को खोलकर उसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह तावीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिक के साथ शिकार करने घने जंगल में गया और एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिक से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सजा का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों का टापों को आवाज राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को अड़ लगाए। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे, बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों के पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं को घोड़े का उस गुफा को आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से धीरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर जाने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उस पकड़ कर मौत पर घाट उतारेंगे, तो जिंदगी किसे निराश हो ही गया था।
कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उस साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज का खोल कर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही ऐसा घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसा कोई सहारा मिला। उस अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हो, अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख। उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़े के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांत छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरफ अपने राज्य में वापस आ गया। यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति काम नाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ जुटाता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है ना। जब ऐसा हो तो दो मिनट शांत से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांस लीजिए, अपने आद्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखेगा एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप अब उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।